और कैंसर भी हो चुका है, हो सकता है स्किन कैंसर। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, यहाँ पर स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो अभी हम ट्यूशन जाए तो कैसे आप लोग आए हो, आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस ऊपर आ चुके ट्यूशन से, अभी जस्ट आए हो। सो गाइस अभी हम खेल रहे हैं वही गेम, घूम रहे दबेगा जी, मेरा हॉर्स है, हॉर्स नहीं 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 ए ए ये मेरा डंकी है, डंकी डंकी खेल रहा है। तो गाइस जब हम खेलते हैं ना दिखाएंगे आप। सो गाइस अभी हम पढ़ने आ चुके हैं खेल के। तो क्या कर रहा है भाई, पढ़ आज कंप्यूटर का होमवर्क करेंगे हम, रोज मैथ का होमवर्क करते हैं, आज कंप्यूटर का होमवर्क करेंगे। क्योंकि मैं आपको बोला था मेरा साथी ने कॉपी ले लिया है, वो घर पे नहीं था, मैं गया था। ए मोटा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सौरभ जोशी का ब्लॉग आप देखे कि नहीं, मुझे नहीं पता। पर सौरभ जोशी ने बोला है कुएं का पानी से, बारिश का पानी से नहाने से कुछ भी नहीं होता, पर ये बात गलत है क्योंकि मैं आपको साइंस से, साइंस अनुसार गलत है, ये गलत ही है। हमको स्किन कैंसर हो चुका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत व्हीकल इंडस्ट्रीज चल रहा है, खुल रहा है, जिससे स्मोक निकलता है और वो हवा में मिलता है, एयर में। तो गाइस आप चार मंजिल पांच मंजिल ऊपर से वो पानी पी भी सकते हो, उतना तो गारंटी नहीं है, पर उस पर नहा सकते हो चार पांच मंजिला ऊपरी ऊपर पानी से। बट हमारे हमको क्या बोल रहे, हाँ, बारिश का पानी में नहाने से जुकाम होता है और कैंसर भी हो चुका है, हो सकता है स्किन कैंसर। तो मैं सौ जोशी को नहीं बोला ये गलत है, ठीक है नहाना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं नहाना चाहिए बारिश का पानी में। तो आज हम इतना ही बोलना चाहूँगा, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आज आप भी साइंस के स्टूडेंट हो, मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इतना ही कहना चाहती हूँ। ऐ हिंदी नहीं बोलने आता, हम तो नेपाल में रहते हैं। सो गाइस हम खा के आ चुके हैं, तो गाइस यहाँ एक टिकटॉक वीडियो चल रहा है, बारी आया हमारे नेपाल में बहुत बारी आ रहा है। आपका भी इंडिया में या कुछ भी देश में आ रहा है कोई भी देश में तो कमेंट करना। तो गाइस बहुत बारी आ रहा है हमारे गांव में, अभी तक नहीं आया बट अभी करीब में आ चुका है, उलमपुर में भी नहीं आया, आएगा मुझे जैसा लग रहा है। हमारे कैपिटल सिटी में भी बहुत बारी आ रहा है जो पहाड़ों के बीच में है। अगर हम पढ़ के खा के आ चुके नीचे सोने के लिए, हम गोटी खाएंगे, दवाई पियेंगे तब सोएंगे। मिलते हैं इस ब्लॉग में, जय नेपाल, बाय।